आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है, वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। जानना चाहिए भाई, ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑफ कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का पूजी घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1,25,000 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला,
महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बात को गांव गांव तक पहुंचाएंगे तो लोगों को इनकी वास्तविकता का पता चल ही जाएगा। लोग स्वयं जागरूक है, वो देख रहे हैं इस विपक्षी एकता की कोशिश के पीछे सभी दलों की क्या मंशा है। उन दलों की असली पहचान 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। यही उनका इतिहास है। आप देखिए कि गांव में कोई अपराधी जब अपनी जेल में सजा काटकर गांव में आता है तो उसे लेकर क्या रवैया होता है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे जानने की उत्कंठा रहती है कि जेल कैसी होती है। जिनको खुद जेलने का डर होता है, अब पटना से बढ़िया जगह क्या हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग
जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। ये इस तरह एक दूसरे को बचाने में उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लोगों को समझना है और देश के लोग हमसे भी ज्यादा इन बातों को भलीभांति समझते हैं। साथियों, कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया, उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझ कर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए।